हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस किचन। आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ का आलू छील के अच्छे से धो लिया है। अब आलू को हम काट लेते हैं। तो मैंने चार पीस में करके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आलू को काट कर हम तैयार कर लेंगे। और अब एक मिक्सी जार लेते हैं, तो जो कटे हुए आलू हैं पूरे कटे हुए आलू को मिक्सी जार में डाल लेते हैं। तो मैंने आलू डाल लिए हैं। अब आधा इंच अदरक छील के धो के लिया, उसे काट के डाल लेंगे। और एक हरी मिर्च जिसे भी मैंने छोटा छोटा काटा है, तीन लहसुन की कलियां ली हैं, दो चम्मच धनिया पत्ती डालकर ढक्कन लगाकर इसका पीस कर इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। एक परात में अब डेढ़ कप लेंगे गेहूं का आटा। तो एक कप डाल लिया, आधा कप और डाल लेते हैं। और जो हमने आलू का पेस्ट बना के रखा है, पूरे आलू के पेस्ट को आटे के ऊपर डाल लेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे और एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और एक चौथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे। और करारेपन के लिए एक चम्मच देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी का यूज़ नहीं करेंगे, जो हमने आलू का पेस्ट बनाया उसी से सारे आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें मिक्स है। अब दो चम्मच धनिया पत्ती और डालेंगे, जिससे नाश्ता हमारा देखने में और भी अच्छा लगेगा। और अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से आटा गूंद के तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और अब इसकी एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा पराठा है उससे थोड़ी बड़ी लोई बना के मैंने तैयार कर ली। अब किचन सर्विस पर रखकर इसको हम इस तरह से पतला बेल लेंगे। तो बड़े साइज़ का बेलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब इसे चौके शेप में काट लेंगे। तो चौकोर पीस हमारा मिल गया है। अब एक्स्ट्रा आटे को हटा दिया है। अब इसे हम चार पीस में इस तरह से काट लेते हैं और फिर इसमें ट्रायंगल की तरह कट कर लेंगे। तो बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो इस तरह से नाश्ता मैंने बना लिया है, बाकी के सारे भी बना लिए। अब कढ़ाई में तेल गर्म है तो इसको डालते जाएंगे। जितना नाश्ता आ जाएगा उतना नाश्ता हम सिकने के लिए डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमें लगेगा नाश्ता हमारा सिक के थोड़ा ऊपर आ गया है तो इसे हम पलट लेंगे और अलट पलट कर अच्छे से इसको हम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से क्रिस्पी होने तक नाश्ते को सेक लिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। छलनी में निकाल लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाएगा। और कुछ देर कढ़ाई पर रोकने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का नाश्ता अभी इसी तरह से बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।